अवचेतन मन की शक्ति का लोगों से परिचय कराने के बाद डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक और बेहतरीन किताब लिखी। इस बार उन्होंने मन की शक्ति के एक और नए आयाम पर फोकस किया। इस बार उन्होंने बताया कि कैसे आप अपने मन को कंट्रोल करके धन को आकर्षित कर सकते हैं। इस किताब का नाम है धन को आकर्षित कैसे करें। कहते हैं कि सिर्फ सोचने से पैसा नहीं कमाया जा सकता, लेकिन डॉक्टर मर्फी के इस बारे में विचार काफी अलग थे। उनका मानना था कि सोचने से ही आप पैसे कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले जरूरत है कि आप पैसों को लेकर अपनी सोच बदलें। अगर देखा जाए तो जो गरीब लोग हैं, यानी जो पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मानसिकता पैसों को लेकर नकारात्मक रहती है। वे हमेशा सोचते हैं कि अमीर लोग दूसरों के पेट पर लात मारते हैं, और हर अमीर आदमी किसी को धोखा देकर ही अमीर बनता है। इसी प्रकार की धारणा गरीब के बच्चों के मन में बचपन से ही भर दी जाती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बुरे हैं, और वे ऐसा भी सोचते हैं कि सिर्फ बुरे लोगों के पास ही पैसा होता है। लेकिन असल में इसी प्रकार की उनकी मानसिकता उन्हें अमीर बनने से रोकती है, जबकि अमीर लोग पैसे कमाने की नई से नई तकनीकें खोजते रहते हैं। आकर्षण का नियम भी कहता है कि हम जिस किसी काम या चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं तो हमारा मन लगातार उस चीज या कार्य के अनुकूल होने लगता है और हमारे सारे कार्य उसी दिशा में होने लगते हैं। इस नियम को हर उस चीज पर लागू किया जा सकता है जिसे आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले दौलत का निर्माण आपके मन के अंदर होना चाहिए, फिर आकर्षण के नियम के फलस्वरूप ये बाहरी जगत में साकार हो जाता है। आपको ये समझकर चलना होगा कि बुराई पैसे में नहीं होती, बल्कि पैसों से तो समस्याएं खत्म होती हैं। और जब आप ये बात समझ जाएंगे तब आप पैसों को पाने में भी सफल हो जाएंगे। यानी कि फर्क सिर्फ सोच का है। आपकी जिंदगी में कितना धन आएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि पैसे के साथ आपके किस तरह के इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि पैसे और आपके मन के बीच किस तरह का कनेक्शन और कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन आपको बताएगा कि आप जिंदगी में पैसों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे या नहीं। तो अभी सुनिए ये ऑडियो बुक और जानिए वे 5 तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप धन को आकर्षित करने की कला सीख सकते हैं। अमीर बनना आपका अधिकार है। आप यहां समृद्ध जीवन बिताने आए हैं। आप यहां खुश रहने, दैदीप्यमान बनने और स्वतंत्र होने के लिए आए हैं। इसलिए एक पूर्ण, सुखद और समृद्ध जीवन जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, ये एक मानसिक रोग है जिसका इस पृथ्वी से समूल नाश कर देना चाहिए। आप यहां विकास करने आए हैं, विस्तार करने आए हैं और खुद को प्रकट करने आए हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से। आपके पास इन सारे क्षेत्रों में संपूर्ण विकास और अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार है जिसे आपसे छीना नहीं जा सकता। आपको खुद को सौंदर्य और विलासिता से घेर लेना चाहिए। जब आप असीम दौलत का आनंद ले सकते हैं तो फिर सीमित पैसों से क्यों संतुष्ट रहें? इस पुस्तक में आप पैसे के साथ दोस्ती करना सीखेंगे और आपके पास हमेशा समृद्धि रहेगी। अमीर बनने की आपकी इच्छा अधिक पूर्ण, अधिक खुश, अधिक अद्भुत जीवन की इच्छा है। ये एक ब्रह्मांडीय आकांक्षा है। ये अच्छी है, बहुत अच्छी। धन के सच्चे महत्व को देखना शुरू करें विनिमय के प्रतीक के रूप में। इसका मतलब है अभाव से आजादी। इसका मतलब है सौंदर्य, विलासिता, समृद्धि और परिष्कार। ये अध्याय पढ़ते वक्त शायद आप कह रहे होंगे कि मैं ज्यादा पैसे चाहता हूं, मुझे इस समय जो वेतन मिल रहा है मैं उससे ज्यादा का हकदार हूं। मेरा मानना है कि ज्यादातर लोगों को अपर्याप्त वेतन मिलता है। कई लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है। इसका एक कारण यह है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा कर रहे हैं। वे पैसे को गंदा पैसा कहते हैं या ये मानते हैं कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है आदि। वे संपन्न नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह है कि उनके मन में यह गोपनीय अवचेतन भावना रहती है कि गरीबी में कोई सद्गुण है। यह अवचेतन भाव बचपन के प्रशिक्षण
अंधविश्वास या धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या पर आधारित हो सकता है। गरीबी में कोई भी सद्गुण नहीं है, ये किसी भी अन्य मानसिक रोग की तरह एक बीमारी है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसे में आप मदद लेना चाहेंगे और अपनी बीमारी का इलाज करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में पर्याप्त धन लगातार प्रवाहित नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई न कोई बुनियादी गड़बड़ है। धन सिर्फ एक प्रतीक है, इसके विनिमय के रूप सदियों से बदलते रहे हैं, जैसे नमक, मनके और कई प्रकार की लुभावनी चीजें। पुराने जमाने में इंसान की दौलत का पैमाना यह था कि वो कितनी भेड़ों या बैलों का मालिक है। अपने बिलों का भुगतान करने के लिए कुछ भेड़ों को साथ ले जाने के बजाय चेक काटना कहीं सुविधाजनक है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप किसी दड़बे में रहें या भूखे रहें। ईश्वर चाहता है कि आप खुश, समृद्ध और सफल हों। ईश्वर अपने सभी कामों में हमेशा सफल रहता है, चाहे वो तारा बनाना हो या कायनात। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप संसार की सैर करें, या फिर विदेश में कला का अध्ययन करें, या फिर आपके मन में कॉलेज जाने की इच्छा हो सकती है, या किसी श्रेष्ठ स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की इच्छा हो सकती है। आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को अच्छे परिवेश में पालना चाहते हैं, ताकि वे सौंदर्य, सुव्यवस्था, सुमेल और अनुपात की सराहना करना सीख सकें। आप सफल होने, जीतने, सारी मुश्किलों को जीतने के लिए पैदा हुए थे। आप अपनी सारी शक्तियों को पूरी तरह विकसित करने के लिए पैदा हुए थे। अगर आपके जीवन में आर्थिक अभाव है तो इसके बारे में कुछ करें। धन संबंधी अंधविश्वासी मान्यताओं से तुरंत मुक्ति पालें। कभी भी पैसे को बुरा या गंदा ना माने। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसे के पंख लग जाएंगे और ये उड़कर आपसे दूर चला जाएगा। याद रखें, आप जिसकी निंदा करते हैं उसे खो देते हैं। मिसाल के तौर पर मान लें कि आपको जमीन में सोना, चांदी, सीसा, तांबा या लोहा मिलता है। क्या आप इन चीजों को बुरा कहेंगे? ईश्वर ने सभी चीजों को अच्छा घोषित किया है। बुराई मनुष्य की स्याह समझ, उसके अप्रकाशित मस्तिष्क, जीवन की उसकी झूठी व्याख्या और दैवी शक्ति के उसके दुरुपयोग से आती है। यूरेनियम, सीसे या किसी भी अन्य धातु का इस्तेमाल विनिमय के साधन के रूप में किया जा सकता है। हम नोट या चेक का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से कागज बुरा नहीं है, न ही चेक है। आज भौतिक शास्त्री और वैज्ञानिक जान चुके हैं कि एक या दूसरी धातु के बीच फर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और गति की दर का होता है, जो एक केंद्रीय नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। वे अब शक्तिशाली साइक्लोट्रॉन्स में परमाणुओं की बमबारी करके एक धातु को दूसरी धातु में बदल रहे हैं। सोना निश्चित स्थितियों के पारे में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद सोना, चांदी और दूसरी धातुओं को रासायनिक प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से बनाया जा सकेगा। मैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आइसोटॉप्स में कोई बुराई देखने की कल्पना नहीं कर सकता। आपकी जेब में रखा कागज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से बना है, जो अलग तरीके से व्यवस्थित है। उनकी संख्या और गति की दर अलग है। सिर्फ इसी मायने में वो कागज आपकी जेब में रखी चांदी से भिन्न है। कुछ लोग कहेंगे, ओह, लोग पैसों के लिए लोगों की जान ले लेते हैं, वे पैसों के लिए चोरी करते हैं। ये सच है कि पैसे का असंख्य अपराधों से संबंध रहा है, लेकिन इससे ये बुरा नहीं बन जाता। कोई आदमी किसी की जान लेने के लिए किसी दूसरे को $50 देता है, उसने एक विनाशकारी उद्देश्य से पैसे का दुरुपयोग किया है। आप बिजली का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए कर सकते हैं, या इससे घर में प्रकाश कर सकते हैं। आप पानी का इस्तेमाल किसी शिशु की प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं, या इसमें उसे डुबो भी सकते हैं। आप आग का इस्तेमाल किसी बच्चे को गर्मी देने या उसे जलाकर मार डालने के लिए कर सकते हैं। एक और उदाहरण यह है कि आप अपने बगीचे से मिट्टी लाकर अपने कॉफी के कप में डाल देते हैं। आपने गलत किया है, बुराई आपकी है। मिट्टी बुरी नहीं है, नहीं कॉफी है। मिट्टी को गलत जगह पर डाला गया है। इसकी असली जगह आपका बगीचा है। इसी तरह अगर आपके अंगूठे में सुई चुभ जाती है तो ये बुरी नहीं है। सुई की जगह सुई दान में है, आपके अंगूठे में नहीं। हम जानते हैं कि प्रकृति की शक्तियां या तत्व बुरे नहीं होते। ये तो हमारे इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि वे हमें फायदा पहुंचाते हैं या हमारा नुकसान करते हैं। एक आदमी ने एक बार मुझसे कहा था, मैं दिवालिया हूं, मुझे पैसा पसंद नहीं है, ये सारी बुराई की जड़ है।
पैसे का प्रेम अगर बाकी सारी चीजों से प्रबल होगा तो आप एक तरफा और असंतुलित हो जाएंगे। आप संसार में अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से इस्तेमाल करने आए हैं। कुछ लोग शक्ति की चाह रखते हैं, बाकी पैसे की। अगर आपका दिल पैसे पर लट्टू हो जाता है और आप कहते हैं कि बस मैं तो इसी को चाहता हूं, मैं अपना सारा ध्यान पैसे के संग्रह पर केंद्रित करने जा रहा हूं, दूसरी कोई चीज मायने नहीं रखती, तो आप पैसा कमा सकते हैं और दौलत इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप यहां पर एक संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी संप्रदाय या धार्मिक समूह के सदस्य हैं और इसके बारे में कट्टर बन जाते हैं, खुद को अपने दोस्तों, समाज और सामाजिक गतिविधियों से अलग कर लेते हैं, तो आप असंतुलित, अंतर्मुखी और कुंठित हो जाएंगे। प्रकृति संतुलन पर जोर देती है। यदि आपका सारा समय बाहरी चीजों और संपत्ति में ही लगा रहे तो आपकी मानसिक शांति, मधुर संबंध, प्रेम, खुशी या आदर्श स्वास्थ्य से वंचित हो जाएंगे। आप पाएंगे कि आप कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीद सकते जो असली है। आप दौलत का संग्रह कर सकते हैं या मिलियनों डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं। ये अपने आप में बुरा नहीं है। बुरा तो तब होता है जब आप हर दूसरी चीज से परे सिर्फ पैसे से प्यार करें। पैसे से बेइंतहा प्रेम ही कुंठा, निराशा और मोह भंग का परिणाम देता है। इस अर्थ में यह आपकी बुराई की जड़ है। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर आपने गलत चुनाव किया है। आपने सोचा था कि आपको सिर्फ यही चाहिए था, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बाद आपको पता लगा कि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, आपको दरअसल जो चीज चाहिए थी वो थी सच्ची जगह, मानसिक शांति और समृद्धि। वैसे अगर आप चाहें तो आपके पास लाखों करोड़ों डॉलर होने के बावजूद मानसिक शांति, मधुर संबंध, आदर्श स्वास्थ्य और दैवीय अभिव्यक्ति रह सकती है। हर व्यक्ति पर्याप्त पैसे चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसके पास बस गुजर बसर लायक ही पैसे रहें। इंसान समृद्धि चाहता है, उसे ये मिलना चाहिए। भोजन, वस्त्र, घर, यातायात के बेहतर साधनों की अभिव्यक्ति, प्रजनन और समृद्धि के लिए हमारी जो आकांक्षाएं, इच्छाएं और आवेग हैं, वे सब ईश्वर के दिए हैं, दैवीय हैं, अच्छे हैं। लेकिन इन आवेगों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को हम गलत दिशा दे सकते हैं, जिससे हमें अपने जीवन में बुरे या नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं। मनुष्य की प्रकृति बुरी नहीं है। आप में कोई बुरा स्वभाव नहीं है। ये तो ईश्वर है, शाश्वत प्रज्ञा है, जीवन है, जो आपके जरिए अभिव्यक्ति चाह रहा है। मिसाल के तौर पर, एक लड़का कॉलेज जाना चाहता है लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। वो आसपास के दूसरे लड़कों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते देखता है, उसकी इच्छा बढ़ जाती है और वो खुद से कहता है कि मैं भी कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं। ये लड़का कॉलेज जाने के उद्देश्य से चोरी कर सकता है या पैसों का गबन कर सकता है। कॉलेज जाने की इच्छा मूलतः अच्छी थी, लेकिन समाज के कानूनों, अनुरूपता के वैश्विक नियम या स्वर्णिम नियम की अवहेलना करके उसने इस इच्छा को गलत दिशा दे दी, जिससे वो मुश्किल में पड़ गया। बहरहाल, अगर ये लड़का मन के नियमों को जानता और उसे पता होता कि उसमें कॉलेज जाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की पूर्ण क्षमता है, तो वो आजाद रहता और जेल नहीं जाता। उसे जेल में किसने डाला? उसने खुद। जिस पुलिस वाले ने उसे जेल में बंद किया, वो इंसानी कानूनों का एक प्रतीक था, जिन्हें उसने तोड़ा था। चोरी करके और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर उसने पहले खुद को अपने मन में कैद किया। इसके बाद डर और अपराध बोध की चेतना आई। पहले उसके दिमाग की कैद आई, जिसके बाद ईंट पत्थर से बनी जेल की दीवारें आईं। पैसा ईश्वर की संपन्नता, सौंदर्य, परिष्कार और समृद्धि का प्रतीक है। इसका इस्तेमाल असंख्य तरीकों से मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए समझदारी भरे, विवेकपूर्ण और सृजनात्मक तरीके से करना चाहिए। ये किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। जब आपका रक्त स्वतंत्रता से प्रवाहित होता है तो आप स्वस्थ होते हैं। इसी तरह जब पैसा आपके जीवन में स्वतंत्रता से प्रवाहित होता है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं। जब लोग पैसे का संचय करना शुरू करते हैं, इसे पेटी में बंद करके रखने लगते हैं और डर जाते हैं, तो आर्थिक रोग आ जाता है। 1929 में शेयर बाजार की भारी गिरावट मनोवैज्ञानिक दहशत का परिणाम थी।
डर ने हर जगह लोगों के दिमाग को जकड़ लिया था। ये एक तरह का नकारात्मक सम्मोहन था। आप एक व्यक्तिपरक और वस्तुपरक संसार में रह रहे हैं। आपको मानसिक शांति, प्रेम, सौंदर्य, मधुर संबंध, खुशी और हंसी जैसे आध्यात्मिक आहार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान सभी तरह की अमीरी के राजमार्ग तक पहुंचने का साधन है। चाहे आपकी इच्छा आध्यात्मिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो, मानसिक नियमों या आध्यात्मिक सिद्धांत का विद्यार्थी जानता है और यकीन करता है कि आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव कैसे भी हों, मंदी हो, हड़तालें हो, युद्ध हो या दूसरी कैसी भी परिस्थितियां हो, वो हमेशा समृद्ध रहेगा, चाहे पैसा कोई भी रूप धारण कर ले। इसका कारण यह है कि वो दौलत की चेतना में रहता है। इस विद्यार्थी ने मन में खुद को यकीन दिला दिया है कि दौलत उसके जीवन में हमेशा खुलकर प्रवाहित हो रही है और हमेशा दैवीय समृद्धि मौजूद है। चाहे कल को युद्ध छिड़ जाए और विद्यार्थी की सारी वर्तमान संपत्ति मूल्यहीन हो जाए, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन मार्क के साथ हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो दौलत को आकर्षित करेगा और सृष्टि उसकी परवाह करेगी, चाहे नई मुद्रा कोई भी रूप धारण कर ले। दौलत चेतना की अवस्था है। ये दैवीय आपूर्ति के सतत प्रवाह के प्रति अनुकूलित मस्तिष्क का परिणाम है। वैज्ञानिक चिंतन पैसे या दौलत को ज्वार भाटे की तरह मानता है, यानी वो बाहर जाता है लेकिन ये हमेशा लौटता है। ज्वार भाटा कभी असफल नहीं होता, न ही मनुष्य की आपूर्ति होती है, बशर्ते वो एक अथक, अपरिवर्तनीय, अमर उपस्थिति पर विश्वास करे, जो सर्वत्र मौजूद है और निरंतर प्रवाहित हो रही है। जो मनुष्य अवचेतन मन की कार्य प्रणाली जानता है, वो कभी आर्थिक स्थिति, शेयर बाजार की दहशत, मुद्रा के अवमूल्यन या मुद्रास्फीति की चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसका वास ईश्वर की सतत आपूर्ति की चेतना में है। ऐसे मनुष्य को हमेशा एक विराट उपस्थिति द्वारा आपूर्ति दी जाएगी और उसकी देखभाल की जाएगी। हवा में उड़ते पक्षियों को देखो, क्योंकि वे बोते नहीं हैं, न ही वे काटते हैं, न ही वे खलिहानों में संग्रह करते हैं, लेकिन ईश्वर पिता उन्हें बैठ भोजन कराता है। क्या तुम उनसे बेहतर नहीं हो? जब आप दैवी उपस्थिति के साथ चेतन रूप से बातचीत करते हैं, दावा करते हैं और जानते हैं कि ये सभी तरीकों से आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन करती है, कि ये आपके पैरों के लिए एक मशाल की तरह है, कि ये आपकी राह में रोशनी है, तो आप दैवीय रूप से समृद्ध होंगे और अपने सबसे बड़े सपनों से भी ज्यादा सफल होंगे। सतत आपूर्ति या दौलत के विचार को अपने अवचेतन मन पर अंकित करने का एक सरल तरीका ये है, अपने मन के पहियों को रोक दें, शिथिल हो जाएं, छोड़ दें, ध्यान को गतिहीन कर दें, मन में एक उनींदी ध्यान अवस्था में चले जाएं। इससे प्रयास न्यूनतम हो जाता है, फिर एक शांत, शिथिल, निष्क्रिय तरीके से इन सरल सच्चाइयों पर विचार करें। खुद से पूछें कि विचार कहां से आते हैं, दौलत कहां से आती है, आप कहां से आए थे, आपका मन कहां से आया था। आपको एक ही स्रोत की ओर ले जाया जाएगा। आप अब खुद को एक आध्यात्मिक कार्यकारी आधार पर पाते हैं। अब आपको यह एहसास अपनी बुद्धिमानी का अपमान नहीं लगेगा कि दौलत एक मानसिक अवस्था है। आगे बताए छोटे वाक्य को दिन में 3-4 बार खुद से धीरे से कहें, खासतौर पर सोने जाने से पहले। पैसा मेरे जीवन में हमेशा खुलकर प्रवाहित हो रहा है और मेरे पास हमेशा दैवीय समृद्धि है। जब आप ऐसा नियमित और सुनियोजित तरीके से करते हैं तो दौलत का विचार आपके ज्यादा गहरे यानी अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा और आप दौलत की चेतना विकसित कर लेंगे। अविचारित या मशीनी दोहराव से दौलत की चेतना बनने में सफलता नहीं मिलेगी। आप जो भी कह रहे हैं उसकी सच्चाई महसूस करें। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। आप जानते हैं कि आप जिसे चेतन रूप से सच मानते हैं, आपका ज्यादा गहरा मन
उस पर प्रतिक्रिया करेगा। जो लोग आर्थिक मुश्किलों में फंसे हुए हैं, उन्हें शुरुआत में इस तरह के कथनों से परिणाम नहीं मिलते हैं, जैसे मैं दौलतमंद हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं। उल्टे ऐसे कथनों से हालात बदतर भी हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि अवचेतन मन दो विचारों में से ज्यादा प्रबल विचार, मनोदशा या भावना को ही स्वीकार करेगा। जब वे देखते हैं कि मैं दौलतमंद हूं, तो उनकी अभाव की भावना ज्यादा बड़ी है और उनके भीतर से आवाज आती है, नहीं, तुम दौलतमंद नहीं हो, तुम तो कंगाल हो। अभाव की भावना ज्यादा प्रबल है, इसीलिए हर कथन अभाव की मनोदशा को जागृत करता है और इस वजह से उनका अभाव बढ़ जाता है। इससे उबरने के लिए शुरुआत में लोगों को ऐसी बात कहनी चाहिए जो उनके चेतन और अवचेतन मन दोनों को स्वीकार हो, तब कोई विरोध नहीं रहेगा। हमारा अवचेतन मन हमारी मान्यताओं, भावनाओं, विश्वासों को स्वीकार करता है। ये उसे स्वीकार करता है जिसे हम चेतन रूप से सच मानते हैं। एक आदमी ये कहकर अपने अवचेतन मन का सहयोग हासिल कर सकता है, मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूं, हर दिन मेरी दौलत और बुद्धिमानी बढ़ रही है, हर दिन मेरी दौलत बढ़ रही है, मैं आर्थिक दृष्टि से तरक्की कर रहा हूं, विकास कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। इन कथनों से मन में कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होगा। मिसाल के तौर पर, अगर किसी सेल्समैन की जेब में सिर्फ 10 सेंट हैं, तो वह आसानी से यह स्वीकार कर सकता है कि कल उसके पास ज्यादा पैसे हो सकते हैं। अगर उसने कल एक जोड़ी जूते बेचे थे, तो उसके भीतर ऐसा कुछ नहीं है जो कहे कि उसकी बिक्री नहीं बढ़ सकती। वो इस प्रकार के कथनों का इस्तेमाल कर सकता है, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं तरक्की कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। वो ये पाएगा कि मनोवैज्ञानिक रूप से यह ठोस है। उसका मन इन कथनों को सच मान लेगा और उसे मन चाहा फल देगा। आध्यात्मिक रूप से उन्नत जो विद्यार्थी शांति से, जानते हुए और भावना के साथ कहते हैं कि मैं संपन्न हूं, मैं सफल हूं, मैं दौलतमंद हूं, उन्हें भी अद्भुत परिणाम मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा? जब वे सोचते, महसूस करते या कहते हैं कि मैं संपन्न हूं, तो उनका मतलब होता है कि ईश्वर के पास सारी आपूर्ति या असीम अमीरी है, और जो ईश्वर के लिए सच है, वो उनके लिए भी सच है। जब वे कहते हैं मैं दौलतमंद हूं, तो वे जानते हैं कि ईश्वर असीम आपूर्ति है, अकूत खजाना है, और जो ईश्वर के बारे में सच है, वो उनके बारे में भी सच है, क्योंकि वही ईश्वर उनके हृदय के भीतर वास करता है। कई लोग स्वास्थ्य, दौलत और सफलता जैसे 3 अमूर्त विचारों पर मनन करके अद्भुत परिणाम पाते हैं। स्वास्थ्य एक दैवीय सच्चाई या ईश्वरीय गुण है, दौलत ईश्वर की है, ये शाश्वत और अंतहीन है, सफलता ईश्वर की है, ईश्वर हमेशा अपने सभी कामों में सफल होता है। इनसे उल्लेखनीय परिणाम पाने के लिए वे दाढ़ी बनाते वक्त एक आईने के सामने खड़े होकर 5-10 मिनट तक खुद से कहते रहते हैं, स्वास्थ्य, दौलत और सफलता। वे ये नहीं कहते मैं स्वस्थ हूं या मैं सफल हूं। वे अपने मन में कोई विरोध उत्पन्न नहीं करते, वे शांत और शिथिल होते हैं। इस तरह मन ग्रहणशील और निष्क्रिय होता है। इसी अवस्था में वे ये शब्द दोहराते रहते हैं। इससे आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। दरअसल वे उन सत्यों के साथ तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अमर है। आप दौलत की चेतना विकसित कर सकते हैं। इस पुस्तक में वर्णित और विस्तार से बताए सिद्धांतों पर अमल करें। आपके रेगिस्तान में भी गुलाब के फूल खिल जाएंगे और ये महकने लगेगा। मैंने कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक किशोर के साथ काम किया था। यह किशोर डॉक्टर और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था और न ही उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। खर्च निकालने के लिए वो डॉक्टरों के ऑफिस साफ करता था, खिड़कियां धोता था और मरम्मत के छुटपुट काम करता था। उसने मुझे बताया कि हर रात जब वो सोने जाता था, तो वो दीवार पर टंगे डॉक्टर के डिप्लोमा का चित्र देखता था
जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। वो जहां काम करता था वहां वो डिप्लोमाओं को साफ करता और चमकाता था, इसलिए उसके मन में डिप्लोमा की तस्वीर देखना या उसकी कल्पना करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं नहीं जानता कि उसने इस तस्वीर को देखना कितने समय तक जारी रखा, लेकिन उसने ये कुछ महीनों तक किया होगा। जब वो लगन से जुटा रहा तो परिणाम मिले। एक डॉक्टर उस लड़के को बहुत पसंद करने लगा। उस डॉक्टर ने उसे औजारों को कीटाणु रहित करने, इंजेक्शन लगाने और प्राथमिक चिकित्सा के दूसरे कामों की कला का प्रशिक्षण दिया। वो किशोर उस डॉक्टर के ऑफिस में तकनीकी सहयोगी बन गया। डॉक्टर ने उसे अपने खर्च पर हाई स्कूल और बाद में कॉलेज भी भेजा। आज वो किशोर मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शीर्षस्थ डॉक्टर है। उसके पास एक सपना था, उसके मन में एक स्पष्ट तस्वीर थी, उसकी दौलत उसके दिमाग में थी। दौलत आपका विचार, इच्छा, गुण, सेवा की चाहत, मानव जाति को देने की क्षमता, समाज के लिए उपयोगी बनने की योग्यता और आमतौर पर मानवता के प्रति आपका प्रेम है। उस लड़के ने अचेतन रूप से एक महान नियम से फायदा उठाया। रॉबर्ट कहते हैं, लक्ष्य को देखकर आप उसके प्राप्ति के साधनों की इच्छा कर लेते हैं। इस लड़के के मामले में लक्ष्य डॉक्टर बनना था। उसने डॉक्टर बनने की कल्पना की, इसका चित्र देखा, इसकी सच्चाई को महसूस किया। इस विचार को लगातार कायम रखकर, उसे पोषण देकर और उससे प्रेम करके उसने अपनी कल्पना शक्ति के जरिए इसे अवचेतन की परतों के पार पहुंचा दिया। तब ये एक विश्वास बन गया और इसने उसके सपनों को हकीकत में बदलने की राह दिखाई। वो ये कह सकता था कि मेरे पास कोई शिक्षा तो है नहीं, मैं सही लोगों को नहीं जानता, अब तो मैं इतना बड़ा हो चुका हूं कि स्कूल नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसमें कई साल लग जाएंगे और मैं बुद्धिमान नहीं हूं। अगर वो इस तरह की बातें कहता तो शुरू करने से पहले ही हार जाता। उसकी दौलत उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के इस्तेमाल में निहित थी, जिसने उसके विचार पर प्रतिक्रिया की। हमारी प्रार्थनाओं का किस साधन या तरीके से जवाब मिलता है, ये हमसे हमेशा छिपा रहता है। कभी कभार हम बस अंतर्बोध से प्रक्रिया के एकाध हिस्से को समझ सकते हैं। मेरे तरीकों का पता नहीं लगाया जा सकता, तरीके मालूम नहीं होते। मनुष्य तो बस कल्पना कर सकता है और अपने मन में लक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये उसे अपने भीतर की व्यक्तिपरक बुद्धिमत्ता के भरोसे छोड़ना होता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि लक्ष्य पर मनन करने और चेतना में इच्छा को स्वीकार करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। जवाब सरल है, जो भी आपके लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक होगा उसे करने के लिए आपको विवश किया जाएगा। अब चेतन का नियम है विवशता, जीवन का नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया। हम जो भी क्रिया करते हैं वो हमारे मन की आंतरिक गतिविधियों, आंतरिक भावों और विश्वासों पर स्वचालित प्रतिक्रिया होती है। कुछ महीनों पहले जब मैं सोने गया तो मैंने कल्पना की कि मैं अपनी एक लोकप्रिय पुस्तक मैजिक ऑफ फेथ को फ्रांसीसी भाषा में पढ़ रहा हूं। मैंने ये कल्पना की कि ये पुस्तक सभी फ्रांसीसी बोलने वाले देशों में पढ़ी जा रही है। कई सप्ताह तक मैंने हर रात यही किया और अपने हाथों में मैजिक ऑफ फेथ के काल्पनिक फ्रांसीसी संस्करण को थामने के चित्र के साथ सो गया। 1954 के क्रिसमस के ठीक पहले मुझे पेरिस के एक अग्रणी प्रकाशक का पत्र मिला, जिसने एक अनुबंध भी साथ में भेजा था। पत्र में लिखा था कि मैं उस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूं और उसे मैजिक ऑफ फेथ के फ्रांसीसी संस्करण को प्रकाशित करने तथा फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले सभी देशों में उसे प्रचारित करने की अनुमति दूं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि प्रार्थना के अलावा मैंने इस पुस्तक के प्रकाशन के बारे में क्या किया। मैं कहूंगा कुछ नहीं। उसके बाद तो व्यक्तिपरक प्रज्ञा ने कमान थाम ली थी और अपने तरीके से यह कर दिया था, जो मेरे चेतन रूप से सोचे किसी भी तरीके से कहीं बेहतर था। हमारी सारी बाहरी गतिविधियां और क्रियाएं मन की आंतरिक गतिविधियों का अनुसरण करती हैं। आंतरिक क्रिया सभी बाहरी क्रियाओं से पहले होती है। आप शारीरिक रूप से जो भी कदम उठाते हैं या आप वस्तुपरक तरीके से जो भी करते नजर आते हैं, वो सब एक नक्शे का हिस्सा होता है, जिसे पूरा करने के लिए आप विवश होते हैं।
लक्ष्य को स्वीकार करने से लक्ष्य की प्राप्ति के साधन अपने आप आ जाते हैं। यकीन करें कि मनचाही चीज इसी समय आपके पास है और आप इसे पा लेंगे। हमें अपनी भलाई से इनकार करना छोड़ना होगा। एहसास करें कि एक ही चीज है जो हमें उस अमीरी से दूर रखती है जो हमारे चारों ओर फैली है। एकमात्र चीज है हमारा मानसिक नजरिया। ये एकमात्र चीज है ईश्वर, जीवन और संसार को देखने का हमारा दृष्टिकोण। इस सकारात्मक सत्य को जान लें, इस पर विश्वास करें और इसके अनुरूप काम करें। आप ईश्वर के महान नियमों के जरिए जो भी हासिल करना चाहते हैं वो पा सकते हैं, बन सकते हैं और कर सकते हैं। आपका मन कैसे काम करता है इसका ज्ञान आपका रक्षक और मुक्तिदाता है। विचार और भावना आपकी तकदीर है। आप चेतना के अधिकार द्वारा हर चीज के मालिक हैं। स्वास्थ्य की चेतना स्वास्थ्य उत्पन्न करती है, दौलत की चेतना दौलत उत्पन्न करती है। वैसे ये ध्यान रखें कि आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उससे संसार इनकार या विरोध करता नजर आ सकता है। कई बार तो आपकी इंद्रियां भी आप पर हंसती नजर आएंगी। अगर आप अपने मित्र को यह बताएं कि आप अपना नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो वो तमाम कारण गिनाने लगेगा कि आपका असफल होना क्यों तय है। यदि आप उसके सम्मोहन के जाल में फंस जाते हैं तो इससे आपके मन में असफलता का डर बैठ सकता है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक शक्ति के बारे में जागरूक होते हैं जो एक है, अखंड है और आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है, तो आप संसार के अंधकार और अज्ञान को अस्वीकार कर देंगे। तब आप ये समझ जाएंगे कि आपके पास सफल होने के लिए सारे औजार, शक्ति और ज्ञान है। अमीरी के राजमार्ग पर चलने के लिए आपको दूसरों की राह में रोड़े या बाधाएं नहीं रखनी चाहिए, नहीं दूसरों के प्रति ईर्ष्या या डाह रखनी चाहिए। दरअसल इन नकारात्मक भावों को आश्रय देकर आप खुद को ही चोट और नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप ही तो हैं जो इसे सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। जैसा क्विम्बी ने कहा था, आप किसी दूसरे को जो सुझाव देते हैं वो आप खुद को दे रहे हैं। इस वजह से स्वर्णिम नियम एक ब्रह्मांडीय और दैवीय नियम है। मुझे यकीन है आपने लोगों को यह कहते सुना होगा, इस आदमी का गोरख धंधा है, वो एक ठग है, वो बेईमानी से पैसे कमा रहा है, वो धोखेबाज है। मैं उसे तब जानता था जब उसके पास कुछ भी नहीं था। वो कुटिल है, चोर है और दगाबाज है। अगर आप ये बोलने वाले आदमी का विश्लेषण करते हैं तो आप पाते हैं कि वो आमतौर पर अभाव में है या किसी आर्थिक अथवा शारीरिक बीमारी का शिकार है। शायद कॉलेज के उसके पुराने मित्र सफलता की सीढ़ी पर ऊपर पहुंच गए और उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच गए। उनकी प्रगति देखकर वो कटु और ईर्ष्यालु हो गया है। कई मामलों में यही उसके पतन का कारण होता है। इन सहपाठियों के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचने और उनकी दौलत की निंदा करने का नतीजा ये होता है कि जिस दौलत और समृद्धि के लिए वो प्रार्थना कर रहा है वो गायब हो जाती है और दूर चली जाती है। वो जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा है दरअसल उन्हीं की निंदा कर रहा है। वो दो तरफा प्रार्थना कर रहा है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि ईश्वर मुझे समृद्ध बना रहा है, और अगली ही सांस में मन ही मन या जोर से वो ये कह रहा है कि मैं उस आदमी की दौलत से द्वेष करता हूं। हमेशा दूसरे व्यक्ति को दुआ दें, हमेशा उसकी समृद्धि और सफलता पर खुश हों। ऐसा करके आप खुद को दुआ देते हैं और समृद्ध बनाते हैं। अगर आप बैंक जाते हैं और देखते हैं कि सड़क पार वाला आपका प्रतिस्पर्धी आपसे 20 गुना ज्यादा पैसे जमा करा रहा है, या आप उसे $10,000 जमा करते देखें तो खुश हों। यह देखकर बहुत खुश हों कि ईश्वर की समृद्धि उसके एक पुत्र के माध्यम से प्रकट हो रही है। तब आप उस चीज को दुआ दे रहे हैं और बढ़ा रहे हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जिसे दुआ देते हैं वो कई गुना होता है। आप उसकी निंदा करते हैं, आप उसे गंवा देते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हों और इस बारे में सोच रहे हों या चिढ़ रहे हों कि आपको कम तनख्वाह मिलती है, आपको सम्मान नहीं दिया जाता और आप अधिक धन तथा मान्यता के हकदार हैं, तो आप अचेतन रूप से उस संगठन के साथ अपने बंधनों को तोड़ रहे हैं। आप एक नियम को सक्रिय कर रहे हैं
फिर सुपरिटेंडेंट या मैनेजर आपसे कहता है कि हमें आपको निकालना होगा। दरअसल आपने खुद को निकाला था। मैनेजर तो बस एक जरिया था जिसने आपकी नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि की। दूसरे शब्दों में वो एक संदेश वाहक था जो आपको वही बता रहा था जो आपने अपने बारे में सच माना था। ये क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण था। क्रिया आपके दिमाग की आंतरिक गतिविधि थी, प्रतिक्रिया आपकी अंदरूनी सोच को सही साबित करने के लिए बाहरी जगत की प्रतिक्रिया थी। शायद इसे पढ़ते वक्त आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे होंगे जो दूसरों से लाभ उठाकर, उन्हें धोखा देकर या खराब निवेश बेचकर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना हो। इसका जवाब स्पष्ट है, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे को लूटते हैं, धोखा देते हैं या फायदा उठाते हैं तो हम खुद के साथ भी यही करते हैं। वास्तव में इस मामले में हम खुद को ही चोट पहुंचा रहे या लूट रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इससे हम अभाव की मनोदशा में रहते हैं, जिससे नुकसान का हमारी ओर आकर्षित होना तय है। यह नुकसान कई तरीकों से हो सकता है। ये स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, सामाजिक ओहदे, घर में बीमारी या कारोबार में कंगाली के रूप में आ सकता है। जरूरी नहीं है कि नुकसान सिर्फ आर्थिक हानि के रूप में ही आए। हमें अदूरदर्शी नहीं होना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि नुकसान सिर्फ डॉलर और सेंट में ही होगा। क्या यह अद्भुत भाव नहीं है कि आप जब रात को तकिए पर सिर रखें तो पूरे संसार के साथ शांतिमय महसूस करें और आपका दिल सबके प्रति सद्भाव से भरा हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से दूसरों को कुचल कर, धोखा करके, छल से और कपट से पैसा इकट्ठा किया है। इसकी कीमत क्या है? कई बार तो यह कीमत मानसिक और शारीरिक रोग की होती है। कई बार अपराध बोध की ग्रंथियों, अनिंद्रा या छिपे हुए डरों की होती है। जैसा एक आदमी ने मुझे बताया था, हां मैं दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ा था, मैं जो चाहता था वो तो मुझे मिल गया, लेकिन इस चक्कर में मुझे कैंसर भी मिल गया। उसे एहसास था कि उसने गलत तरीके से दौलत हासिल की थी। आप किसी को चोट पहुंचाए बिना दौलतमंद और समृद्ध बन सकते हैं। कई लोग खुद को लगातार लूट रहे हैं, वे खुद से ही चुरा रहे हैं। मानसिक शांति, स्वास्थ्य, खुशी, प्रेरणा, खुशी और ईश्वर की हंसी। हालांकि वे कह सकते हैं कि उन्होंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन क्या यह सच है? हर बार जब हम किसी से द्वेष करते हैं या ईर्ष्या करते हैं या किसी दूसरे की दौलत या सफलता पर जलते हैं तो दरअसल हम खुद से चुरा रहे हैं। ये वे चोर डाकू हैं जिन्हें ईसा मसीह ने मंदिर से बाहर निकाल दिया था। इसी तरह आपको भी उन्हें निर्णायक रूप से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें अपने मन में रहने ही ना दें। सही विचार और भावना की तलवार से उनकी गर्दन काट दें। मैंने युद्ध के शुरुआती दिनों में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क की एक महिला के बारे में पढ़ा था जो इस स्टोर से उस स्टोर तक जाकर सारी उपलब्ध कॉफी खरीदती थी। वो जानती थी कि कॉफी की कमी होने वाली है। उसके मन में यह डर भरा था कि हो सकता है कि उसे पर्याप्त कॉफी न मिले, इसीलिए वो जितनी कॉफी खरीद सकती थी उतनी उसने खरीद ली और अपनी कोठरी में भर लिया। उस शाम वो चर्च गई। जब वो घर लौटी तो उसने पाया कि चोरों ने दरवाजा तोड़ दिया था और न सिर्फ उसकी कॉफी चुरा ली बल्कि चांदी के बर्तन, पैसे, गहने और दूसरा सामान भी चुरा ले गए। इस भली महिला ने वही कहा जो इस तरह के सभी लोग कहते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ जब मैं चर्च में थी? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं चुराया। क्या ये सच है? जब उसने कॉफी का संचय शुरू किया था तब क्या वो अभाव और डर की चेतना में नहीं थी? उसकी मनोदशा और अभाव का डर इतना प्रबल था कि उसके घर तथा संपत्तियों को नुकसान पहुंचा दे। इसके लिए उसे किसी स्टोर की तिजोरी में हाथ डालने या बैंक लूटने की जरूरत नहीं थी। उसके अभाव के डर ने अभाव उत्पन्न कर दिया। यही कारण है कि कई ऐसे लोग भी नुकसान उठाते हैं जिन्हें समाज अच्छा नागरिक कहता है। वे सांसारिक संदर्भ में अच्छे हैं, यानी वे अपना टैक्स चुकाते हैं, कानून का पालन करते हैं, नियमित रूप से वोट देते हैं और परोपकारी संस्थाओं के प्रति उदारता दिखाते हैं, लेकिन वे दूसरों की संपत्तियों, उनकी दौलत या सामाजिक ओहदे के प्रति द्वेष रखते हैं। जब कोई देख न रहा हो
तब अगर वे पैसे उठाना चाहें तो ऐसा नजरिया निश्चित रूप से अभाव की अवस्था दर्शाता है। इससे वो व्यक्ति ऐसी मानसिक अवस्था में आ जाता है जो उन धोखेबाजों को आकर्षित करती है, जो किसी कारोबारी सौदे में उसे धोखा दे सकते हैं या चूना लगा सकते हैं। बाहरी चोर के लूटने से पहले ही हमने खुद को लूटा है। बाहरी चोर के आने से पहले आंतरिक चोर का होना अनिवार्य है। हो सकता है किसी व्यक्ति में अपराध बोध की ग्रंथि हो और वो खुद को निरंतर दोष दे। मैं एक ऐसे ही व्यक्ति को जानता हूं। वो एक बैंक में रोकड़िया था और बहुत ईमानदार था। उसने कभी पैसा नहीं चुराया, लेकिन उसका एक अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो एक रखेल को सहारा दे रहा था और अपने परिवार को वंचित रख रहा था। वो इस डर में जी रहा था कि उसका भेद खुल जाएगा। फलस्वरूप उसके मन में अपराध बोध का गहरा एहसास पलने लगा। अपराध बोध के बाद डर आता है और डर की वजह से मांसपेशियां और श्लेष्म झिल्लियां सिकुड़ जाती हैं। उसे गंभीर साइनसाइटिस हो गया। दवाओं से सिर्फ अस्थाई राहत ही मिल पाई। मैंने उस आदमी को उसकी परेशानी का असल कारण बताया और उससे कहा कि इसका बस यही इलाज है कि वो अपने विवाहेतर प्रेम प्रसंग को खत्म कर दे। उसने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा कि वो औरत उसकी आत्मा की सहचरी है और वो पहले ही ये कोशिश करके देख चुका है। इसके लिए वो हमेशा खुद को दोष दे रहा था और अपनी निंदा कर रहा था। एक दिन बैंक के एक अधिकारी ने उस पर पैसों के गबन का आरोप लगा दिया। मामला संगीन दिख रहा था क्योंकि परिस्थिति जन्य प्रमाण मौजूद था। रोकड़िया दहशत में आ गया और उसे एहसास हुआ कि उस पर आरोप लगाए जाने का एकमात्र कारण यही था कि वो खुद पर आरोप लगा रहा था और अपनी निंदा कर रहा था। वो समझ गया कि मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। जब तक वो मन में खुद पर आरोप लगाता रहेगा, बाहरी संसार में भी उस पर आरोप लगाए जाएंगे। गबन के आरोप के सदमे की वजह से उसने दूसरी औरत के साथ तुरंत संबंध तोड़ लिए और अपने तथा बैंक अधिकारी के बीच समझ और दैवीय मधुर संबंध के लिए प्रार्थना करने लगा। वो ये दावा करने लगा कि कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट न हो। ईश्वर की शांति सभी संबंधित मस्तिष्कों और हृदयों में सर्वोच्च विराजमान है। सच्चाई की जीत हुई। सच्चाई के प्रकाश में सारा मामला साफ हो गया। एक और युवक का पता चला जो अपराधी था। बैंक का रुकड़िया जानता था कि सिर्फ प्रार्थना की वजह से ही वो जेल जाने से बचा था। महान नियम है, जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें, उनके बारे में भी वैसा ही सोचें। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में महसूस करें, उनके बारे में भी वैसा ही महसूस करो। शिद्दत से कहें, मैं इस पृथ्वी पर चलने वाले हर इंसान के लिए जो चाहता हूं, वही मैं खुद के लिए भी चाहता हूं। मेरे दिल की सच्ची इच्छा यह है कि हर जगह सभी लोगों को शांति, प्रेम, खुशी, समृद्धि और ईश्वर के वरदान मिलें। सभी लोगों की प्रगति, तरक्की और समृद्धि में आनंदित व खुश हों। जो भी आप अपने लिए सच करना चाहते हो, उसे हर जगह सभी लोगों के लिए सही माने। अगर आप खुशी और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो सभी के लिए शांति और खुशी का दावा करें। किसी दूसरे को कभी किसी खुशी से वंचित करने की कोशिश न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को वंचित करते हैं। जब पैसा आपके मित्र के पास आता है तो वो आपके पास भी आता है। यदि आपकी कंपनी में किसी की तरक्की होती है तो आनंदित और खुश हों, उसे बधाई दें, उसकी तरक्की और प्रतिष्ठा पर प्रसन्न हो। अगर आप क्रोधित या द्वेषपूर्ण हैं तो आप खुद को नीचे धकेल रहे हैं। किसी को भी खुशी, सफलता, उपलब्धि, समृद्धि और सारी अच्छी चीजों के साथ उसके ईश्वर प्रदत्त जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित करने की कोशिश ना करें। ईसा मसीह ने कहा था, खुद के लिए स्वर्ग में खजानों का संग्रह करें, जहां दीमक और जंग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती है, जहां चोर सेंध लगाकर चुरा नहीं सकते हैं। नफरत और द्वेष दिल को कुतर लेते हैं तथा उसमें जंग लगा देते हैं। फलस्वरूप हमारे भीतर दाग, अशुद्धियां, जहरीले पदार्थ और विष भर जाते हैं। स्वर्ग के खजाने ईश्वर की सच्चाइयां हैं जो हमारी आत्मा में मौजूद हैं। अपने मन को शांति, मधुर संबंध, आस्था, खुशी,
ईमानदारी, अखंडता, प्रेमपूर्ण दयालुता और नम्रता से भर लें। फिर आप अपने मन के स्वर्ग में अपने खजानों के बीज बो देंगे। अगर आप निवेश संबंधी बुद्धिमत्ता की तलाश कर रहे हैं या अगर आप अपने शेयरों या बॉन्ड के बारे में चिंतित हों, तो शांति से दावा करें, असीम प्रज्ञा मेरे सभी आर्थिक सौदों को शासित करती है और उन पर नजर रखती है, इसीलिए मैं जो भी करता हूं समृद्ध होगा। इसे बार बार कहें और आपके निवेश समझदारी पूर्ण होंगे। यही नहीं, आपकी नुकसान से भी रक्षा होगी, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको शेयर बेचने के लिए प्रेरित कर दिया जाएगा। अपने मकान, कारोबार और संपत्तियों के बारे में आगे दी गई प्रार्थना का हर दिन इस्तेमाल करें, जो सर्वोच्च शक्ति ग्रहों की कक्षा में उनका मार्गदर्शन करती है और जिसकी बदौलत सूरज चमकता है। वो मेरी सारी संपत्तियों, घर, कारोबार और मेरी सारी चीजों पर निगाह रखती है। ईश्वर ही मेरा किला और तिजोरी है। मेरी सारी संपत्तियां ईश्वर में सुरक्षित हैं। ये अद्भुत है। हर दिन खुद को इस महान सच्चाई की याद दिलाएंगे और प्रेम के नियमों पर चलेंगे तो आपको सभी तरीकों से मार्गदर्शन मिलेगा, आपका ध्यान रखा जाएगा और आपको समृद्ध बनाया जाएगा। आपको कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सर्वशक्तिमान को अपना सलाहकार और मार्गदर्शक बनाया है। ईश्वर के प्रेम का वृत्त हर समय आपके चारों ओर है, आपको अपने भीतर समाये हुए है। आप ईश्वर की अमर बाहों में विश्राम कर रहे हैं। हम सभी को अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए अंदरूनी मार्गदर्शन लेना चाहिए। यदि आपके पास कोई आर्थिक समस्या है तो रात को सोने से पहले यह दोहराएं, अब मैं चैन से सोऊंगा, मैंने ये मामला अपने अंदर की ईश्वरीय बुद्धिमत्ता के हवाले कर दिया है, ये जवाब जानती है। जब सुबह सूरज उगेगा तो मेरा जवाब भी सामने आ जाएगा। मैं जानता हूं कि सूरज का उगना कभी नहीं रुकता है। फिर सोने चले जाएं। किसी समस्या पर परेशान न हो, चिंता न करें, आवेश में न आए। रात की नींद से सही सलाह मिलती है। समस्या पर सो जाएं। आपकी बुद्धि आपकी सारी समस्याएं नहीं सुलझा सकती। उस रोशनी के लिए प्रार्थना करें जो आने वाली है। याद रखें कि भोर हमेशा आती है, छायाएं दूर चली जाती हैं। हर रात की नींद को एक संतुष्टि भरा आनंद बनने दें। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप तो सिर्फ खुद को ऐसा मानते हैं। आप किसी भी परिस्थिति या स्थिति के ऊपर उठ सकते हैं, उससे उबर सकते हैं। जब आप आध्यात्मिक सत्य की चट्टान पर खड़े होते हैं और अपने अधिक गहरे उद्देश्यों तथा इच्छाओं के प्रति निरंतर निष्ठावान रहते हैं, तो आपको भिन्न अनुभव मिलेंगे। बड़े स्टोर्स में मैनेजर जासूस नियुक्त करते हैं ताकि ग्राहकों को चोरी करने से रोका जा सके। वे हर दिन बिना कुछ दिए कुछ लेने की कोशिश करने वाले लोगों को पकड़ते हैं। ऐसे सभी लोग अभाव और सीमा की चेतना में जी रहे हैं। दरअसल वे खुद से चुरा रहे हैं और हर तरह के नुकसान को आकर्षित कर रहे हैं। इन लोगों की ईश्वर में आस्था नहीं है और वे ये नहीं समझते कि उनका मन कैसे काम करता है। यदि वे सच्ची जगह, दैवी अभिव्यक्ति और आपूर्ति के लिए प्रार्थना करें तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी। फिर ईमानदारी, अखंडता और लगन के जरिए वे अपने और समाज के लिए गौरव बन जाएंगे। ईसा मसीह ने कहा था, तुम्हारे साथ गरीब हमेशा रहेंगे लेकिन मैं हमेशा नहीं रहूंगा। चेतना की गरीब अवस्थाएं इस अर्थ में हमेशा हमारे साथ रहती हैं कि चाहे आपके पास इस वक्त जितनी भी दौलत हो, आप किसी दूसरी चीज को अपने पूरे दिल से चाहते हैं। हो सकता है कि यह स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, शायद किसी बेटी बेटी को मार्गदर्शन की जरूरत हो या घर में सद्भाव की कमी हो, उस पल आप गरीब हैं। जब तक हम अभाव के बारे में सोचते रहते हैं, तब तक हम कभी नहीं जान सकते कि समृद्धि क्या है। मैंने 12 को चुना है
और तुम में से एक शैतान है, चाहे वो इंग्लैंड का सम्राट हो या झुग्गियों का लड़का। हम सभी सीमाओं और जातिगत विश्वासों के साथ पैदा हुए थे। इन्हीं सीमाओं के माध्यम से हम विकास करते हैं। समस्याएं और मुश्किलें ना हो तो हम कभी अपनी आंतरिक शक्ति का पता नहीं लगा पाएंगे। गरीबी की अवस्थाएं ही हैं जो हमें समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। जब तक कि हम दुख का आंसू न टपका लें, हम कभी नहीं जान सकते कि खुशी क्या होती है। हमें गरीबी के बारे में जागरूक होना चाहिए, इससे मुक्ति और स्वतंत्रता की इच्छा रखनी चाहिए और दैवीय संपन्नता में ऊपर उठना चाहिए। डर, अज्ञान, चिंता, अभाव और दर्द जैसी गरीब अवस्थाएं बुरी नहीं हैं, बशर्ते वे आपको इसका विपरीत चाहने के लिए प्रेरित ना करें। जब आप मुश्किल में फंस जाते हैं और इधर से उधर चक्कर घिन्नी बने रहते हैं, जब आप नकारात्मक, दिल चीरने वाले सवाल पूछते हैं, जैसे ये सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों है कि बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी नजर आती है, तब आपके दिमाग में प्रकाश होगा। अपने दुख, दर्द या कष्ट के जरिए आप सत्य को खोजेंगे जो आपको मुक्त कर देता है। विपत्ति के फल मीठे हैं। किसी बदसूरत और जहरीले मेंढक की तरह जिसके सिर पर एक कीमती रत्न होता है, असंतोष के जरिए हमें संतोष की ओर ले जाया जाता है। जीवन के नियमों का अध्ययन करने वाले सभी लोग किसी न किसी चीज से असंतुष्ट रहे हैं। उनके सामने कोई समस्या या मुश्किल थी जिसे वे नहीं सुलझा सकते थे, या वे जीवन की पहेलियों के इंसानी जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति में अपना जवाब पाया है। महान कीमत का मोती, कीमती रत्न। बाइबल कहती है, मैंने ईश्वर को खोजा था और मैंने उसे पा लिया, और उसने मुझे मेरे तमाम डरों से आजाद कर दिया। जब आप अपनी महत्वाकांक्षा या इच्छा को हासिल कर लेते हैं तो आप सिर्फ कुछ समय के लिए ही संतुष्ट होंगे। इसके बाद विस्तार करने की आकांक्षा एक बार फिर मन में आ जाएगी। ये जीवन है जो आपके जरिए ज्यादा ऊंचे स्तरों पर खुद को अभिव्यक्त करना चाहता है। जब एक इच्छा संतुष्ट होती है तो दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी, और यह सिलसिला अनंत काल तक चलता रहता है। आप यहां विकास करने आए हैं। जीवन स्थिर नहीं है, ये तो प्रगतिशील है। आप यहां एक महिमा से दूसरी महिमा तक जाने के लिए आए हैं। इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा का कोई अंत नहीं है। हम सभी इस अर्थ में गरीब हैं कि हम हमेशा जीवन में अधिक प्रकाश, ज्ञान, खुशी और आनंद चाहते हैं। ईश्वर अनंत है और अनंत काल में भी आप उस महिमा, सौंदर्य और बुद्धिमानी के खजाने को खत्म नहीं कर सकते जो आपके भीतर है। आप बहुत अद्भुत हैं। निरपेक्ष संसार में सारी चीजें पूर्ण हैं, लेकिन सापेक्ष जगत में हमें उस महिमा के प्रति जागृत होना चाहिए जो हमारी थी संसार के भी शुरू होने से पहले। चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो और आप बुद्धिमानी की तलाश कर रहे हो, इसलिए आप अब भी गरीब हैं। आप गणित, भौतिकी या खगोल शास्त्र के क्षेत्र में चाहे जितने ज्ञानी हो, आप केवल सतह को खरोच रहे हैं। आप अब भी गरीब हैं। यात्रा हमेशा आगे की तरफ, ऊपर की तरफ और ईश्वर की तरफ है। दरअसल ये एक जागृत करने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपको एहसास होता है कि सृजन पूर्ण है। जब आप जान जाते हैं कि ईश्वर को सीखने, विस्तार करने, विकास करने या प्रकट करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीमाओं के स्वप्न से धीरे धीरे जागना शुरू करते हैं और ईश्वर में जीवित हो जाते हैं। जब डर, अज्ञान, जातिगत विश्वास और समूह सम्मोहन के पर्दे आपकी आंखों के सामने से गिरते हैं, तो आप उस तरह देखना शुरू करते हैं जैसा ईश्वर देखता है। अंधे दाग हट जाते हैं। फिर आप संसार को उस तरह देखना शुरू करते हैं जिस तरह से ईश्वर ने इसे बनाया था, क्योंकि हम उसे ईश्वर की आंखों के जरिए देख रहे हैं।
तब आप कहते हैं, देखो स्वर्ग का साम्राज्य हमारे पास है। अपने भीतर के गरीब को खाना ना खिलाएं, नग्न विचारों को वस्त्र पहनाएं और विचार की वास्तविकता में यकीन करके उन्हें रूप दें। विश्वास करें कि भीतर का महान बुनकर इसे सही वस्त्र पहनाएगा। अब आपका शब्द विचार सजीव बन जाएगा, साकार होगा। जब आप भूखे होते हैं गरीब अवस्थाओं में तो आप भोजन खोजते हैं, जब चिंतित होते हैं तो शांति चाहते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो आप स्वास्थ्य चाहते हैं, जब आप कमजोर होते हैं तो आप शक्ति चाहते हैं। समृद्धि की इच्छा आपके भीतर ईश्वर की आवाज है जो आपको बता रही है कि समृद्धि आपकी है। इसलिए अपनी गरीब अवस्था के जरिए आप विकास करने, विस्तार करने, प्रकट करने और अपनी इच्छाओं को हासिल करने की आकांक्षा पाएंगे। आपके कंधे में होने वाला दर्द एक छिपा हुआ वरदान है। यह आपको बताता है कि आपको इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहिए। अगर कोई दर्द और मुश्किल का संकेत न हो तो आपकी बांह सड़क पर अचानक टूटकर गिर सकती है। आपका दर्द ईश्वर का चेतावनी तंत्र है जो आपको बता रहा है कि आप उसकी शांति और उसकी उपचारक शक्ति को खोजें तथा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। जब आप ठंडे होते हैं तो आप आग जलाते हैं, जब आप भूखे होते हैं तो आप भोजन करते हैं। इसी तरह जब आप अभाव में हों तो संपन्नता और समृद्धि की मनोदशा में दाखिल हों। लक्ष्य की कल्पना करें, इसमें आनंदित हों। लक्ष्य की कल्पना करके और इसे सच महसूस करके आपने इसके साकार होने के साधनों को जागृत कर दिया है। जब आप भयभीत और चिंतित हों तो अपने मन को ईश्वर के महान सत्यों की खुराक दें जो समय के इम्तिहान में खरे उतरे हैं और हमेशा कायम रहेंगे। आप महान भजनों पर मनन करके राहत पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, ईश्वर मेरा गडरिया है, मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। ईश्वर मेरी शरण है, मेरी मुक्ति है, मुझे किसका डर है। ईश्वर मुश्किल के समय में हमेशा मौजूद सहायता है। मेरा ईश्वर, मैं उसमें भरोसा करूंगा। वो मुझे अपने पंखों से ढक लेगा और मैं उसके डैनों तले विश्राम करूंगा। ईश्वर के साथ अकेला व्यक्ति भी बहुमत में होता है। यदि ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन टिक सकता है। मैं ईश्वर के माध्यम से सारी चीजें करता हूं जो मुझे शक्ति देते हैं। इन सत्यों के उपचारक कंपन अपने मन में और हृदय में भरने दें। फिर आप इस मनन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपने दिमाग से सारे डरों, शंकाओं और चिंताओं को हटा पाएंगे। एक और महान आध्यात्मिक सच्चाई को आत्मसात करें, खुश हृदय से चेहरा खुश रहता है। खुश हृदय निरंतर जश्न मनाता है। खुश हृदय दवा जैसा भला करता है, निराशा हड्डियों को सुखा देती है। इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम अपने भीतर ईश्वर के उपहार को जागृत करो और अभी ईश्वर के उपहार को जागृत करना शुरू करें। इसके लिए इंद्रियों के प्रमाण को पूरी तरह अस्वीकार कर दें, अपने जातिगत मस्तिष्क की तानाशाही को नजरअंदाज करें और अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण मान्यता दें कि यही एकमात्र कारण, एकमात्र शक्ति और एकमात्र उपस्थिति है। जान लें कि यह एक प्रतिक्रियाशील और दयालु शक्ति है। इसके करीब जाएं और यह आपके और करीब आएगी। आश्वस्ति, विश्वास और प्रेम के साथ इसके करीब जाएं। यह आपको प्रेम, शांति, मार्गदर्शन और समृद्धि देकर प्रतिक्रिया करेगी। यह आपको राहत देगी, मार्गदर्शन देगी, परामर्श देगी और परम पिता बनेगी। फिर आप कहेंगे, ईश्वर प्रेम है, मैंने उसे पा लिया है और उसने सचमुच मुझे सारे डरों से मुक्त कर दिया है। यही नहीं, आप खुद को हरे चारागाहों में पाएंगे जहां समृद्धि और ईश्वर की सारी दौलत आपके जरिए मुक्तता से प्रवाहित होती है। दिन के दौरान खुलकर और खुशी खुशी खुद से कहें, मैं दिन भर ईश्वर की उपस्थिति की चेतना में चलता हूं, उसकी पूर्णता सारे समय मेरे माध्यम से प्रवाहित होती है।
और मेरे जीवन के खाली बर्तन भरती है। आप जो भी बनने की हसरत रखते हैं, जब आप उससे पूरी तरह भरे होते हैं तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाता है, यानी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। क्या आपके जीवन में सारे बर्तन भरे हैं? स्वास्थ्य, दौलत, प्रेम और अभिव्यक्ति के चारों स्तरों को देखें। क्या आप इन सभी स्तरों पर पूरी तरह संतुष्ट हैं? क्या इन चारों में से किसी एक में कोई कमी है? आप जो चाहते हो वो इनमें से किसी न किसी श्रेणी में आता है। अगर आप कहते हैं मैं तो बस सत्य या बुद्धिमानी चाहता हूं, तो आप हर जगह के सभी लोगों की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। हर कोई यही चाहता है, भले ही शब्द अलग हों। सत्य या बुद्धिमानी हर व्यक्ति की सामान्य इच्छा है। यह अभिव्यक्ति की श्रेणी में आती है। आप यहां ईश्वर को अधिकाधिक व्यक्त करने की इच्छा करते हैं। अपने अभाव, सीमा और समस्याओं के जरिए आप ईश्वर के प्रकाश में खुद को खोजते हैं। कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप खुद को खोज सकते थे। अगर आप अपनी शक्तियों का दोनों तरफ इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप खुद को कभी नहीं खोज पाएंगे, न ही आप कभी अपने को शासित करने वाले नियम को समझ पाएंगे। अगर आपको अच्छा बनने या प्रेम करने के लिए विवश किया जाए तो यह प्रेम नहीं होगा, तब तो आप एक कठपुतली होंगे। आपके पास प्रेम करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि आप इसे दे सकते हैं या आप इसे अपने पास रख सकते हैं। अगर किसी को प्रेम करने को मजबूर किया जाए तो यह प्रेम नहीं होगा। जब कोई महिला आपसे कहती है कि वह आपसे प्रेम करती है और आपको चाहती है, तब क्या आपको अच्छा नहीं लगता? उसने संसार के सभी पुरुषों में से आपको चुना है। वो आपसे प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं है। अगर वो आपसे प्रेम करने के लिए मजबूर होती तो आपको इसके बारे में अच्छा नहीं लगता और आप खुश नहीं होते। आपके पास हत्यारा या संत बनने की स्वतंत्रता है। इसी कारण हम लिंकन जैसे लोगों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने अच्छाई का चुनाव करने का निर्णय लिया था। हम उनके चुनाव की प्रशंसा करते हैं। यदि हम यकीन करते हैं कि परिस्थितियां, स्थितियां, घटनाएं, उम्र, जाति, धार्मिक प्रशिक्षण या शुरुआती परिवेश हमारे खुश, समृद्ध जीवन हासिल करने की संभावना को रोक सकते हैं, तो हम चोर और लुटेरे हैं। खुशी और समृद्धि को अभिव्यक्त करने के लिए बस खुश और समृद्ध महसूस करने की जरूरत है। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। चेतना की अवस्थाएं खुद को प्रकट करती हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि जो भी मेरे सामने आए थे भावना, वे चोर और डाकू हैं। भावना नियम है और नियम भावना है। समृद्धि आपकी इच्छा दरअसल ईश्वर का वादा है, जो कह रहा है कि उसकी अमीरी आपकी है। इस वादे को बगैर किसी मानसिक संकोच के स्वीकार करें। क्विम्बी ने प्रार्थना की तुलना वकील के मुकदमे की पैरवी से की थी, जो किसी न्यायाधीश के सामने जिरह करता है। मानसिक नियमों के शिक्षक ने कहा था कि वे ये साबित कर सकते थे कि प्रतिवादी उसका अपराधी नहीं है जिसका आरोप उस पर लगाया गया है, लेकिन वो झूठ और झूठे विश्वासों का शिकार है। आप न्यायाधीश हैं, आप अपना फैसला खुद सुनाते हैं और फिर आप स्वतंत्र हो जाते हैं। अभाव, गरीबी और असफलता के सभी नकारात्मक विचार झूठे हैं। वे सब झूठ हैं, उनके समर्थन में कुछ नहीं है। आप जान जाते हैं कि केवल एक आध्यात्मिक शक्ति है, केवल एक ही प्राथमिक कारण है। इसलिए आप स्थितियों, परिस्थितियों और लोगों की राय को शक्ति देना छोड़ देते हैं। सारी शक्ति अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति पर केंद्रित करें। जान लें कि यह समृद्धि और संपन्नता के आपके विचार पर प्रतिक्रिया करेगी। अपने अंदर विराजमान आत्मा के प्रभुत्व को पहचान लें। विचार या मानसिक चित्रण की अपनी खुद की शक्ति को पहचान लें। यही संपन्नता, स्वतंत्रता और सतत आपूर्ति पाने का तरीका है। अपने मन में समृद्ध जीवन को स्वीकार करें। दौलत की आपकी मानसिक स्वीकृति और अपेक्षा का अपना खुद का गणित होता है। इसकी अभिव्यक्ति की अपनी खुद की कार्य प्रणाली होती है। जब आप समृद्धि की मनोदशा में दाखिल होते हैं तो समृद्ध जीवन के लिए आवश्यक सारी चीजें घटित हो जाएंगी। अब आप वो न्यायाधीश हैं
जो अपने मन की अदालत में किसी निर्णय पर पहुंच रहा है। क्विंबी की तरह आपने भी निर्विवाद प्रमाण दे दिया है, जिसने दिखा दिया है कि आपके मन के नियम कैसे काम करते हैं, और अब आप डर से स्वतंत्र हो गए हैं। आपने अपने मन के सारे डरों और अंधविश्वासी विचारों के सिर काट दिए हैं। डर कर्म का संकेत है। ये दरअसल बुरा नहीं है, क्योंकि ये आपको विपरीत दिशा में जाने को कहता है, यानी ईश्वर तथा सकारात्मक मूल्यों में आस्था की तरफ। इसे अपनी दैनिक प्रार्थना बना लें, इसे अपने दिल में लिख लें, ईश्वर मेरी आपूर्ति का स्रोत है, उसकी दौलत अब मेरी दौलत है, उसकी अमीरी मेरे पास खुलकर बहुतायत में और प्रचुरता में प्रवाहित होती है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के बारे में चेतन हूं। मैं अपने गुणों का उपयोग मुक्तता से करता हूं और मुझे अद्भुत रूप से दैवीय मुआवजा मिलता है। परमपिता, आपको धन्यवाद।